सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द रोडियो ड्राइव। कैसे हैं आप लोग बॉस? उम्मीद करता हूँ तो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बट बॉस हाई ऑल्टीट्यूड में हूँ। अभी मैं कारगिल में हूँ तो थोड़ा सा हाइट का असर तो फील हो रहा है बॉस। और अभी तो हमें इससे भी ऊपर जाना है ले, जो 3500 मीटर्स पे है। तो धीरे धीरे एक्लिमेटाइज होते हैं हम लोग। और आप पीछे का व्यू देख ही रहे हैं, आप इस होटल में मैं रुका हुआ हूँ। माइंड ब्लोइंग नज़ारा है, आप जस्ट पीछे देखो मेरे। और दूसरी बात ये है बॉस कि आज का हमारा ये प्रोग्राम है कि अभी हम यहाँ से LOC जाने वाले हैं, ठीक है? तो वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर है तो वो हम लोग विज़िट करेंगे। और साथ में वार मेमोरियल म्यूज़ियम है जो कारगिल में अपने आर्मी के जवान शहीद हुए थे ना, तो वहाँ भी हम टच करेंगे। और फिर वहाँ से वो दोनों जगह घूम के हम फिर लेह की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी यही शेड्यूल है, फिर आगे मिलते हैं आपसे, फिर बताते हैं आगे का प्रोग्राम। बॉस आप जो देख रहे हो ना, ये पूरा ये कारगिल सिटी है, ठीक है, है ना? ये देख रहे हो, और ये ऊंचे पहाड़ देख रहे हो ना, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये आप देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये अपने आर्मी का चेक पोस्ट है, ठीक है? और यहीं कहीं पहाड़ों पे जस्ट पीछे साइड में पाकिस्तान है, ठीक है? हम वहीं जा रहे हैं, आप जो देख रहे हो ना, इससे पहाड़ों के जस्ट आसपास में ये हो सकता है इनमें से कोई पहाड़ हो जिसमें पाकिस्तान का चेक पोस्ट है, ठीक है? इनमें से कोई पहाड़ हो तो। और मैं आपको बता दूं, जब कारगिल का वार हुआ था ना 1999 में, तो कारगिल का वार हुआ था ना 1999 में, तो शेलिंग हुई थी ना, तो आप देख लो यहाँ पे इस फोटो में जो आस पास में भी शेल्स गिरे थे, ये पूरा एरिया में शेल्स गिरा था। आप सोच सकते हो कि क्या ब्रूटल अटैक किया था पाकिस्तान ने। सो फ्रेंड्स, हम LOC की तरफ निकल चुके हैं, मैं और रौनक। और यहाँ से LOC दिखा रहा है 10 किलोमीटर्स, ठीक है ना बॉस? तो LOC जाते हैं और फर्स्ट इंडियन विलेज जो है अपना, वहां पे आपसे मिलते हैं। ये जो रिवर है सुरू शिंगू रिवर, ये सुरू रिवर है ना? हाँ। ये अच्छा ठीक है, सुरू वाला शिंगू ये से जो आ रहे हैं ना, शिंगू रिवर। अच्छा ठीक है, शिंगू रिवर और सुरू रिवर जो अपने साथ आया ना, सुरू रिवर कारगिल से मार्केट से नहीं आया, कारगिल मार्केट से आया जी, करेक्ट। हाँ, ये जो रिवर है इस शिंगू रिवर, ये ब्रिज जो है ना, ये पाकिस्तान ने 71 में वो किया था, हरका बहादुर यानी शहीद हुआ था। अच्छा अच्छा, इसका वॉर मेमोरियल है, ये फ्लैग दिख रहे हैं ना यहाँ, ये फ्लैग है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान ने 99 में अच्छा फायरिंग किया था नेशनल हाईवे पे, यहाँ पे वॉल दिख रहे हैं ना, हाँ, वॉल के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वही वॉल पे फायर किया था। अच्छा, वॉल पे फायर किया था, बंद किया था नेशनल हाईवे 1999 में, बंद कर दिया था फायरिंग के चलते। यहाँ संगम बनता है दोनों रिवर का, सुरू और शिंगू रिवर, सुरू एंड शिंगू का संगम है ये पॉइंट। ओके, रिवर और शिंगू रिवर, सुरू रिवर अपना कारगिल से आ रहा है ना मेन मार्केट से। हाँ, वो आपने बताया, ठीक है। मैं खींच के लेता हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर ये बंकर है, इसी पहाड़ों में लड़ाई हुआ था बॉस। ये आप तो देख रहे हो ना, वाइट सा बना हुआ, ये इंडियन बंकर है, आप देखो 71 में यहाँ तक इंडिया था बस। अच्छा, ये जो रिवर है ना, ये श्रीनगर जाने वाला रास्ता, ये पाकिस्तान के एरिया था। अच्छा, जो टॉप है उसमें पाकिस्तान था। अच्छा, ये पाकिस्तान का था। 13620 आपको ऊपर वॉर म्यूजियम से दिखेगा, 13620। हाँ, ये टॉप है ऊपर वाला, वो पाकिस्तान वहाँ तक आ गया था। हाँ, वो तो आपको आर्मी वाले बता देगा, वो जो वॉर म्यूजियम जाएगा ना वहाँ बता देगा। अब हम जाएंगे, ये पाकिस्तान का कब्जे में था, ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान अच्छा नीचे पीछे चला गया, पाकिस्तान पीछे, पाकिस्तान पीछे भेज दिया गया। अच्छा, तो बंकर अपना इंडियन आर्मी बैठा हुआ है ना बंकर। ओके ओके, पहाड़ के उधर तक आप वहाँ जाके फिर वीडियो कर सकते हैं, उसमें आप आ जाएगा बंकरों का सब आ जाएगा। हम आगे जाके व्यू पॉइंट तक, ठीक, तो मैं बता दूंगा। सोचो बस, आप जो ये पहाड़ देख रहे हो 1971 में ये पाकिस्तान के पास था, फिर 1999 वार में ना इंडियन आर्मी ने इसे कंक्वायर कर लिया, तो ठीक किया बॉस, बढ़िया किया, काफी जमीन हमारा लेके रखा है इन्होंने ऐसे भी। बॉस ये रास्ता देख रहे हो ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, तो ये इंडिया का आप फर्स्ट विलेज कह सकते हो या लास्ट विलेज भी कह सकते हो, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। क्या खतरनाक टेरेन है यार, मतलब एकदम बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूं ना, एडवेंचरस सा फील हो रहा है, थोड़ा सा डर टाइप का भी लग रहा है, बहुत खतरनाक टेरेन है। आप देखो, सोचो ये रास्ता जो है ये सीधे हमारा पाकिस्तान के पास जा रहा है, और
नीचे का आप जो रोड देख रहे हो ना, बस नीचे में जो रोड है, नीचे में जो रोड है वो इंडियन आर्मी यूज करती है उसको, वो इंडियन आर्मी यूज करती है, वो डायरेक्ट पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाता है, सोचो आप। और ये जो रिवर है ना, ये रिवर सीधे पाकिस्तान जा रही है, ये नीचे आप जो देख रहे हो ये सीधे पाकिस्तान जा रही है। तो है ना गजब का नजारा। बस अभी आगे भी दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स मैं बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और जस्ट मेरे पीछे पाकिस्तान है, ठीक है ना। और आपको मैं यहाँ दरगाह दिखाता हूँ और मैं गांव दिखाता हूँ, इंडिया का लास्ट विलेज। ये आप देखो हुंदूरमन गांव है, हुंदूरमन ये गांव है इंडिया का, ठीक है। और ये आपको मैं स्ट्रेट दिखाता हूँ, बहुत जूम कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखो दरगाह, ये देखो पाकिस्तान का, दिख रहा है आपको, दिख रहा है बॉस, देखो ये दरगाह पाकिस्तान का है, ठीक है। ये पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और ये अपना इंडिया, ये पहाड़ आपको दिख रहा है, ये इंडिया, ठीक है। ये पहाड़ इंडिया, ये बीच वाला पहाड़ इंडिया, और ये ऊपर वाला जो पहाड़ दिख रहा है ना बॉस, ये देखो ये पाकिस्तान, ये जो चेक पोस्ट दिख रहा है, ये पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई है, हो सकता है हमें देख भी रही हो, हम शूट कर रहे थे उनको। ये सारे उनके बंकर बने हुए हैं बॉस, ये देखो आप दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखो ये सारे बंकर बने हुए हैं, देख रहे हो ये सारे बंकर बने हुए, ये देखो आप, है ना, ये सारे बंकर है, पाकिस्तानी आर्मी बैठे हुए हैं, ये देखो आप। और ये इंडिया के, ये अपने इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी के बंकर से देखो, ये देखो, दरगाह है और ये पाकिस्तानी बंकर है नीचे में, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर टॉप पे तीन बंकर है यहाँ पे, ये दिख रहा है। यहाँ से अटैक किया था बॉस नेशनल हाईवे पे, आप देखो ये तीन बंकर दिख रहे हैं ना, तो यहाँ से अटैक किया था पाकिस्तान आर्मी ने, सोचो आप, यहाँ से रात के टाइम पे गाड़ियों की लाइट दिखती थी ना नेशनल हाईवे पे, तो वो फायर कर देते थे वहाँ से, सोचो सोचो फायर ही कर देते थे बस, मतलब हद है इनकी। हो सकता है हमें भी देख रहे हो वहाँ से बंकर से, 100% देख रहे होंगे वो हमें यहाँ आए थे। सो बॉस फाइनली हमने और अपनी गाड़ी ने यहाँ तक पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुँच ही गए, लास्ट गांव, तो हम भी पहुंच गए और अपनी इंडियन ब्रांड महिंद्रा भी पहुंच गई, तो मजा आ गया। और गांव का नाम क्या हुआ भैया? हुंदूरमन। ये बॉस पहले पाकिस्तान में था 1971 तक, उसके बाद ये अब अपना है, ठीक है ना, हुंदूरमन गांव। आपको मैंने पहले भी दिखाया था, फिर से देख लो एक बार, ये नीचे आप देख लो नीचे, और वो पाकिस्तान आपको दिख ही रहा है, आपको मैंने दिखाया वीडियो में। क्या गहरी खाई है बॉस, आप देख रहे हो क्या गहरी खाई है यार, मतलब कि मतलब ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस है ये, बहुत ही गहरी खाई है। एक बार में तो नहीं घूमेगी। एक्सपीरियंस तो बहुत गजब का हो रहा है, बहुत खतरनाक सा हो रहा है, और गूज़बम्स भी आ रहे हैं बस, और बड़ा हैरानी भी लग रहा है कि एक कंट्री पाकिस्तान जो अपनी थी वो इंडिया से डिवाइड होके हमारे ऊपर ही शेलिंग करती है, बताओ। सुन के थोड़ा अजीब लगता है, खराब भी लगता है, और मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि जो विलेज पहले पाकिस्तान में होता था वहां के मैंने बंदे से बात की, बट वो कैमरा के सामने आने से मना किया उन्होंने, तो लेकिन उन्होंने बताया कि जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताया उन्होंने कि हम लोग जब पाकिस्तान की तरफ रहते थे तो हम लोग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, और जब से इंडिया में आए तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, हमें इंडियन गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है राशन खाना पानी सब कुछ को लेके, और इंडियन आर्मी भी काफ़ी सपोर्टिव है, कोई तंग वंग नहीं करते, बिल्कुल बगल में होने के बाद भी बॉर्डर पे, तो है थोड़ा अजीब सा लाइफ तो इनकी टफ है बॉस, बिल्कुल बॉर्डर पे है।
इंडियन आर्मी की भी और यहाँ के विलेजर्स की भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस आप देखो ये वेलकम टू हंडा मैन, आप देखो ये उर्दू में भी लिख रखा है ना, और ये लगता है ये वो गांव है, देखो आप क्या अबैंडन है ये गांव, ये वार में लगता है शरिंग के चलते अबैंडन हो गया। सब जो पीछे देख रहे हो ना, ये पाकिस्तान का अबैंडन गांव है, ठीक है ना, और ये अबैंडन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शेलिंग हुआ था और इंडियन आर्मी ने इस एरिया को पाकिस्तान से अपने एरिया में अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हो ना बॉस, इसमें ना हेरिटेज है, मतलब म्यूजियम हेरिटेज भी है, तो इसमें म्यूजियम है अंदर में, तो सारे टूटा हुआ है, कुछ मेंटेन नहीं है, ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं सामान, पाकिस्तान की जितने भी दस्तावेज होती है ना डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी इस गाँव इसके अंदर है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, आप सोचो ये आप देखो। तो ओरिजिनल हंदुरमन गांव ना यही था बॉस, ठीक है, और वो मैं आपको बोर्ड पे भी दिखा देता हूँ, ओरिजिनल हंदुरमन गांव जो है, यहाँ आप नाम भी देखो लिखा हुआ है, वो देखो ये आप देख रहे हो ना, हंदुरमन हेरिटेज म्यूजियम है ना, तो ये आपका ओरिजिनल था और जो आपने देखा ना उसी का हंदुरमन गांव के नाम से उसे बनाया गया, और वही लास्ट विलेज है अपने इंडिया का, यही ना बॉस। आप देखो कुछ लोग आए भी हैं, घूम रहे हैं विलेज को, यहाँ के लोकल्स हैं जो विलेज को घूम रहे हैं, समझे, ये मतलब पहले ये पाकिस्तान था और अभी इंडिया हो गया, ठीक है, 1971 के बाद। बस ये आप जो मेरे जस्ट पीछे देख रहे हो ना, पीछे जस्ट पीछे आप देखो, ये जाके रोड इंडिया का खत्म हो जाता है यहाँ से, ठीक है, और मेरे ऊपर आप देख रहे हो ना ऊपर उस साइड वहाँ पे है ना, उस साइड ऊपर देखो वो बटालिक सेक्टर है, अपनी इंडियन आर्मी बैठी हुई है, और 13620 ये सेक्टर है ना, ये भी यहाँ पे इंडियन आर्मी बैठी हुई है, और उस पहाड़ों के पीछे जस्ट पीछे, ठीक है ना, जस्ट पीछे वहाँ पे पाकिस्तान है, जस्ट पीछे, और ये पूरे इंडियन आर्मी का बंकर है लाइन से, हाँ वो व्हाइट बंकर जो अभी का दिख रहा है, तो ये देख रहे हो ना व्हाइट से बना हुआ, यही वो इंडियन आर्मी का बंकर, यही इंडियन आर्मी का बंकर, यहाँ इंडियन आर्मी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हमारे लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, सोचो बॉस। सो अ बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। ये बच्ची यहीं पे रहती है अपने लास्ट विलेज में, क्या नाम है बेटा आपका? सबरीन फातिमा। आप कौन से क्लास से पढ़ते हो? सेकंड में पढ़ते हो। कौन सा स्कूल है आपका? मुत्तहिद पब्लिक स्कूल। ये कहाँ पे? ये करके। यहाँ पे अच्छा लगता है रहना? मज़ा आता है? हाँ। ठीक है यहाँ पे? हाँ। सारा चीज़ ठीक है, बढ़िया, सेफ है? हाँ। मन लग रहा है पढ़ाई में? हुँ? मन लग रहा है पढ़ाई में? हाँ। बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? बड़े होकर डॉक्टर। ओ, डॉक्टर बनना चाहती हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बॉस। ये फातिमा है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, और ये बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। बॉस आपने मिला ना फातिमा से, कितनी एम्बिशियस लड़की है ना, बताओ, इतने छोटे से जगह गांव में रहती है और डॉक्टर बनना चाहती है, कितनी खुशी की बात है कि ये अपने बच्चे, अपने आने वाले जनरेशन कितना ज़्यादा अवेयर है एजुकेशन को लेके। और मुझे उसके अलावा मुझे एक चीज़ बड़ा अजीब सा लगा भी, 1971 के पहले फातिमा के फादर या उसके दादा फातिमा के, वो पाकिस्तान में होंगे, और जो गांव पहले पाकिस्तान में था आज इंडिया में है, तो एक सरहद के चलते दो कंट्री डिवाइड हो गई, तो मुझे तो बड़ा स्ट्रेन सा फील होता है, और क्या कर सकते हो, सरहद होती ही ऐसी है कि दुनिया को और देश को बांट देती है, बट फातिमा से मिलने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील हो रहा है, क्योंकि सोचो एक छोटी सी लड़की इतने छोटे से गाँव में रहती है और यहाँ से डॉक्टर बनना चाहती है, तो बस ये तो मैं कहूँगा कि अपना इंडिया इज़ ग्रेट, और इंडिया के लोग इससे तो तरक्की कर रहे हैं।
अपना इंडिया इंडियन आर्मी का बंकर से लास्ट, ये वॉल भी दिख रहा है इधर से देखो, वॉल दिख रहा है बाहर में देखो, यहाँ से फिर यहाँ से बंकर यहाँ भी दिख रहे हैं देखो, ये पार्ट है ना, फिर इधर भी दिख रहा है बंकर इंडियन आर्मी का, ये सब है। बीच वाला पहाड़ जो है वो इंडिया का है, इंडियन आर्मी का बीच वाला ना, ये पाकिस्तान का है, दरगाह है उनका देखो, ये दरगाह दिख रहा है, ये बंकर भी है इधर, ये बंकर है, फिर ऊपर ये वाला बंकर है, ये पाकिस्तान, पाकिस्तान का, ये हमारा नेशनल हाईवे पे अटैक किया ना यहाँ से, अच्छा यहाँ पर हमारा नेशनल हाईवे पे किया था, तीन चार बंकर दिख रहे हैं ना देखो, इधर पाकिस्तानी फ्लैग भी है हमारे, इधर नहीं आएगा आपको तो, और यहाँ पे बंकर है देखो, यहाँ पे आर्मी इंडियन पाकिस्तानी आर्मी का रंकर देखो, ये अपना इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, इधर से इधर ज़्यादा फर्क दूर नहीं है, ये गांव है उनका देखो, यहाँ भी बर्फ गिरता होगा, हाँ डेढ़ दो फुट गिरता है इधर, डेढ़ दो फुट बर्फ, जी 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 बर्फ होता है, ये वही रास्ता है जो हम नीचे गांव से देखा ना, वो जो रोड जा रहे हैं वही नीचे वाला, ये इस साइड वाला, ये दरगाह वाला रोड, वो तो पाकिस्तान का है ना, वो तो ये तो पूरा, ये पूरा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान जी, ये पूरा पाकिस्तान में, ये पर देखो इससे आगे, इधर से आगे पाकिस्तान है देखो, नीचे जो आर्मी बंकर दिख रहे ना, इधर से आगे बेस के में इंडियन आर्मी का, ये अपना बंकर है इंडियन आर्मी का देखो, इसके पीछे फिर पाकिस्तान है, ये नीचे से हमको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था ना, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है बस, ये जो बंकर है इसमें भी है, इसमें वो और इधर भी है बंकर है इंडियन आर्मी का, यहाँ पे देखो हमारे इंडिया का ये लास्ट गाँव है, यहाँ पे तो हम गया था ना अभी, हाँ इंदुरमन ये गांव है, इसी लाइन में हमारा ऊपर वाला गांव है, वो जो बर्फ गिरा हुआ है वो इंडिया है कि पाकिस्तान, वो पटालिक इंडिया का, पटालिक सेक्टर था, इधर पूरा आ गया सर, हाँ ये ये है हमारा पोर्ट लोसी में पॉइंट का, ये है आपका गाड़ी है, ये चिमनी बना हुआ देख रहे हो ना, ये जो है ना, ये चट्टानों के अंदर, ठीक है बस, ये चट्टानों के अंदर आप देखो ध्यान से, ये चट्टानों के अंदर ये सिविलियन बंकर है, आपको मैं इधर से दिखाता हूँ इसका एंट्री, जो शेलिंग होती थी ना, ये आप देखो शेलिंग होती थी, तो आप देखो ये दरवाजा बना हुआ है ना, ये दरवाजा बना हुआ है बस, इसके अंदर अपने सिविलियंस चले जाते थे सेफ्टी रीजंस के लिए, कि ताकि शेलिंग हो तो उनको कुछ हो ना, तो आप सोचो कितना टफ होगा 1999 वार, रियली यार। फ्रेंड्स हम फेमस कारगिल के वार मेमोरियल म्यूजियम में आए हैं, और बॉस आप ये देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ना है ना शेल, तो आप जो देख रहे हो ना ऊपर में 1947 से 48 एंड 1965 वार, 1999 वार, जितने भी लोग शहीद हुए हैं ना बॉस, उनके सारे नाम हैं यहाँ पे लिखे हुए, तो अपने इतने सारे इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो गए थे बॉस, तो आप देख सकते हो डिटेल्स पे लिखा हुआ है मेजर बीएस रंधावा सर, ये आपकी राजपूताना राइफल से थे, ये आपके सब घर का राणा साहब जेसीओ थे, ये आपके मेजर थे, तो आप देख सकते हो ये अपना देश का झंडा ऊपर में, इंडियन फ्लैग फ्लाइंग हाई। बॉस हम फेमस वॉर मेमोरियल म्यूजियम में है, कारगिल में सिचुएटेड है, और आपको मैंने दिखाया भी वीडियो में, आपने देखा हमारे कितने सारे जवान शहीद हो चुके हैं 1947 के वार से लेकर 1999 तक में,
तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, थोड़ा सा मन थोड़ा सा वो हो रहा है, डाउन सा हो रहा है। तो अभी हम लोग एक्चुअली 1 बजे पहुँचे थे बस, तो परमिशन नहीं मिल रहा था, बड़ा मुश्किल से मिला क्योंकि लंच का टाइम हो जाता है, अभी वाले पता है ना टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि हम रांची से हैं, तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, उन्होंने अलाउ किया कि नहीं आप ठीक है आप कवर कर लो। तो थैंक यू सो मच टू द इंडियन आर्मी वंस अगेन, मैं यही बोलूँगा। पाकिस्तान के फ्लैग उल्टा कर रखा है, आप देख सकते हो बंकर है, ये बंकर है। सो बॉस, हमने वॉर मेमोरियल म्यूजियम घूम लिया और म्यूजियम के अंदर फोटो शूट या वीडियो अलाउ नहीं है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम लेह की तरफ जाएंगे। बॉस, लद्दाख का डिस्टेंस कारगिल से 220 किलोमीटर दिखा रहा है और 220 किलोमीटर कवर करने में हमें 4 hours 44 minutes का टाइम दिखा रहा है, तो अराइवल टाइम दिखा रहा है 6:11। तो देखते हैं। बॉस, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप कारगिल आते हो ना, तो यहाँ एक फेमस शिव मंदिर है जहाँ पे भी शेलिंग हुई थी, ठीक है? तो शेलिंग हुई थी ना, तो वहाँ पे जो बम गिरा था ना, वो फटा नहीं था, ठीक है? तो वो थोड़ा हमें अब एक्चुअली टाइम का इश्यू हो रहा है, तो हम शिव मंदिर कवर नहीं कर पा रहे, तो हम सीधा लेह की तरफ निकल रहे क्योंकि हमें थोड़ा उल्टा जाना पड़ेगा यहाँ से। तो आप अगर आते हैं कारगिल और आपके पास टाइम है, तो शिव मंदिर भी जरूर अटेंड कीजिएगा।